जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार विस्तार। किशनगंज पुलिस ने कोरोना वायरस बीमारी पर किए लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने हेतु अनावश्यक दुकान बंद करने के दिए निर्देश। किशनगंज कस्बे में सोमवार को दुकानदारों द्वारा सभी दुकानें खोलने पर पुलिस ने कस्बे में पहुंचकर सभी अनावश्यक दुकानों को बंद कराने के लिए कहा गया। किशनगंज थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा ने कस्बे में पहुंचकर बस स्टैंड रानी बड़ोद कस्बे में खुली दुकानदारों को अनावश्यक दुकानें बंद करने व आवश्यक दुकान मेडिकल दूध डेयरी किराना फल सब्जी आवश्यक दुकानें खुली रहने के साथ अनावश्यक दुकानें जैसे चाय होटल आदि बंद करने के लिए कहा। वहीं 4-5 व्यक्तियों के अलावा ज्यादा व्यक्ति भीड़ भाड़ नहीं करने वे आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकलने के लिए भी कहा गया। कोरोना वायरस बीमारी के बचाव के बारे में भी अपनी सुरक्षा अपनाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा परिवार की सुरक्षा हमारे लिए ही आवश्यक है और राज्य में किए गए लॉकडाउन की 31 मार्च तक पालना सुनिश्चित करें जिससे हम कोरोना वायरस बीमारी से बचाव कर घरों पर ही सुरक्षित रहना करें। कोऑपरेट करें आपस में, आपका स्वास्थ्य, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपके परिवार का, आपके पड़ोसियों का, आपके शहर का, आपका खुद फर्ज बनता है उनका ध्यान रखना। आप हम सबको कोऑपरेट करें और बेवजह फालतू भीड़ इकट्ठी नहीं करें। एक आदमी से ज्यादा, दो आदमी से ज्यादा नहीं बैठे प्लीज। कोई काम हो तो ही निकले, अन्यथा घरों पर रहें। इस बात को आप गंभीरता से लें, इसको मजाक में या छोटे रूप में नहीं लें। सभी जगह इसकी पालना की जा रही है अच्छे से। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा कृपया करके सभी संस्थान बंद रखें।